बच्चों के लिए मिनिमम 5 अभ्यास, फिर मोटापा के लिए, फिर बॉडी के बैलेंस के लिए, फिर हाइड्रोसिल के लिए, फिर थायराइड के लिए मिनिमम। तो जिनसे नहीं हो पाता वो भस्त्रिका कपालभाति कर लेना, ये तो सबसे होता है ना, ये कर लेना। बाकी बच्चों को 5 आसन जरूर करना। 25 साल पहले जब मैं हरिद्वार में गया तो एक 80 साल का बूढ़ा है वेद में एमए कर रहा, गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी में। मैंने कहा बाबा 80 साल में क्या करोगे? बोले इस जन्म में 80 साल में पढ़ रहा हूं तो अगले जन्म में पैदा होते ही वेद पढ़ूंगा। हाँ, अपने संस्कार तो अच्छे बनाओ। ये बच्चों के लिए बता रहा हूं, जवानों के लिए, और बाकी सीखना शीर्षासन से। ऐसे एक एक कर उठाते आराम आराम से। ऐसी करना। कुछ भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ बहनें भी, हमारी बहनें भी बहुत अच्छा करती हैं। ऐसे भाई बहनों को योग आना चाहिए, करना चाहिए। बहनों के लिए मात्र 3 दिन जो उनके मासिक धर्म के होते हैं, 5 दिन मान लो, उस दौरान कठिन आसन नहीं करने चाहिए, बाकी दिनों के आराम से। गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष योगाभ्यास, यहाँ तो गर्भ संस्कार की विशेष व्यवस्था की है, उसके संदर्भ में थोड़ा आपको बताइए। फिर सर्वांगासन, ट्राई तो कर रहे हैं, अच्छी बात है, कुछ तो भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं। दोनों हाथ पार्श्व भागों से उठाओ, आगे झुक जाओ, पश्चिमोत्तान आगे झुक के माथा घुटनों से लगाओ। ये बच्चों के लिए बता दिए, बच्चों की हाइट बहुत अच्छी होगी, बच्चों को सूर्य नमस्कार भी कराना और ये 5 आसन कराना।